विक्रम, क्या बात है विक्रम? मेरा मदद है, देख लिया उसने। क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? मेरा टाइम आ गया। क्या हो गया तुम्हें? मेरा टाइम आ गया, उसे कह दिया मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूं। क्या बेकार की बात कर रहे हो, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे अब कोई नहीं बचा सकता, मनाऊंगा, मुझे मनाओ। ऐसी बातें मन में नहीं लाते, देखो तुम काफी टेंशन में लग रहे हो, मरने मराने की बातें नहीं करते, तुम्हारी अच्छी खासी जिंदगी है, प्यारी सी वाइफ है, और अगर वो उसे बोल दिया मुझे मरना, मुझे कोई नहीं बचा सकता। किसने बोल दिया ये? वो औरत उसने बोल दिया, वो जब भी बोलती है उसकी बात हमेशा सच होती, उसने बोला है मैं मरूंगा, मुझे मरना होगा। अरे ऐसे किसी के कहने से कोई मर जाता है क्या? तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, सब खत्म हो गया। ऐसा करती हूँ अंजलि को फोन कर लेती हूँ। हेलो अंजलि, देखो विक्रम को कुछ हो गया है, पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, वो अजीब सा बर्ताव कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुई है उसके साथ में। क्या बकवास कर रही हो, अभी एक घंटा पहले मैंने उससे बात हुई है, सब कुछ ठीक था। देख मेरा यकीन कर, मैं सच कह रही हूँ, कुछ तो हो गया है उसे, वो अपने होश में नहीं है। हाँ मैं आ रही हूँ। अरे विक्रम भाई क्या कर रहे हो, अरे पीछे रहो, गिर जाओगे भाई। साहब रुको साहब। अरे विक्रम भाई पीछे, अरे गिर जाओगे भाई। नीचे उतरो। अरे कोई बचाओ इसको। विक्रम ऐसा नहीं करते। अरे स्वाति क्या 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 हो रहा है वहाँ पर? नीचे ऐसा नहीं करते। विक्रम साहब अमर भैया दो ना। क्या हुआ बच्चों? दरवाजा खिड़कियां मत खोलना, और अकेले तो बिल्कुल बाहर मत जाना, ठीक है?
वो है कौन? मैंने सुना है उसके बारे में। वो जिस भी घर में जाती है कोई ना कोई मर जाता है। मुझे एक खबर देनी थी। पर मुझे क्यों? सुन ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी खबर। नहीं, तेरे पति का वक्त आ गया है, उसे मरना ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बहन को कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मौत किसी का इंतजार नहीं करती, उसे मरना ही होगा। चले जा, मेरे पति को बख्श दो। लो, लो। नहीं, होनी को कोई नहीं टाल सकता, उसे मरना ही होगा, मरना ही होगा। मोहन, प्लीज मोहन, फोन उठाओ। तो लगता है ये सुसाइड का केस। विक्रम सुसाइड नहीं कर सकते। हम खुश थे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। वो सुसाइड नहीं कर सकते, कोई परेशानी नहीं थी, तो फिर क्यों अपने आप को मारेंगे वो? घर में प्रॉब्लम नहीं थी तो ये विक्रम न्यूरोलॉजिस्ट है ना? जी। हो सकता है हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो। जी नहीं सर, ये रीमा है, विक्रम की कलीग और हमारी फैमिली फ्रेंड। रीमा जी, क्या लगता है आपको, कोई परेशानी थी इनको हॉस्पिटल में? सर, विक्रम तो बहुत खुश थे। हाँ, अभी तो उनका प्रमोशन भी हुआ था, हमारे हॉस्पिटल में हेड ऑफ मेडिसिन बने थे। सर, ये विक्रम का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस खुशी में हम एक ग्रैंड पार्टी भी रखने वाले थे कि अचानक। अच्छा, ये विक्रम को आखिरी बार किसने देखा था यहाँ पे? सर, मैंने, मैं इनकी पड़ोसन हूँ। मैं शॉपिंग पे जा रही थी तो मैंने देखा कि डॉक्टर विक्रम उधर कोने में खड़े, काफी घबराए हुए थे, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और वो बहुत परेशान लग रहे थे और बार बार एक ही बात बड़बड़ा रहे थे। बड़बड़ा रहे थे? क्या बड़बड़ा रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं मरूंगा, मैं नहीं बचूंगा, ऐसा उसने कहा है। किसने किसने कहा है? उस औरत ने। क्या? वो औरत मौत की भविष्यवाणी करती है? मतलब उस औरत के सामने जो आदमी आएगा वो मर जाएगा? अरे यार, तुम जाओ बॉडी के पास, जरा चेक करो, देखो कोई सुसाइड नोट वगैरह मिलता है क्या? नहीं सर, मैं आपसे कह रही हूँ, वो सुसाइड नहीं कर सकते। मेरे विक्रम को किसी ने मारा है। देखिए अंजलि जी, हम समझते हैं, पर हम किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई बार होती हैं कुछ ऐसी बातें जो इंसान अपने सबसे ज्यादा करीबी से भी शेयर नहीं कर पाता, इसलिए प्लीज हमें पता लगाने दीजिए कि मौत की असली वजह क्या है।
सर। हाँ पंकज। सर जेब से ये डब्बा और ये कागज मिला। सर ये कैसे हो सकता है? क्या पहले से किसी को पता था कि डॉक्टर विक्रम की मौत कैसे होने वाली है? कि ठीक वैसा ही स्केच बना दिया? सर ये उसी औरत का काम है। लेकिन सर उस औरत को कैसे पता था कि डॉक्टर विक्रम ऐसे ही मरेंगे? वो भविष्यवाणी करने वाली औरत से मिलना पड़ेगा। पंकज एक मिनट लिंक देना। अंजलि जी ये डायमंड रिंग मिली है विक्रम के पास, इसके बारे में आप कुछ जानती हैं? सर इस हादसे से एक घंटे पहले विक्रम ने मुझे फोन किया, बहुत खुश थे वो, कह रहे थे मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते, शायद ये रिंग वो मुझे गिफ्ट करना चाहते थे। नाखून में मिट्टी और रेती जैसा है। एक बार टेरेस चल के देखते हैं। सर यहां तो कुछ दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखो फ्रेडी, वो उसके हाथों में नाखून के अंदर जो मिट्टी है वो अपने आप तो आ नहीं सकती। एक मिनट, ये देखा कुछ सिंबल जैसा लग रहा है कि नाखून से खोद के तो नहीं बनाया। सर तो क्या डॉक्टर विक्रम ने इसे कूदने से पहले बनाया होगा? लगता तो है किसी चीज का निशान है। ये किस चीज का निशान हो सकता है सर? ये तो पता लगाना पड़ेगा फिर। लेकिन इस निशान का डॉक्टर विक्रम की मौत से कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। जो भी है, डायमंड रिंग खरीदने तक सब कुछ ठीक ठाक था, उसको लेने के बाद घराने के बीच में कुछ हुआ है। शायद वो भविष्यवाणी करने वाली औरत उसे रास्ते में कहीं मिली थी और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि वो भविष्यवाणी करने वाली औरत उसे मिली कहां पे। डायमंड रिंग शॉप से शुरू करते हैं। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। एक एक मिनट, एक मिनट मैम प्लीज। अब जरा शांत हो जाइए। अब बताइए कौन है आप, क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम नीलम है सर। एक कार ने मेरे हस्बैंड को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, ये बहुत ही बुरा हुआ। ये बताइए कि इसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? ये सिर्फ एक्सीडेंट होता तो मैं यहाँ नहीं आती। मेरे हस्बैंड के मौत के पीछे किसी का हाथ है। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर एक्सीडेंट से पहले एक औरत मेरे घर आई और मुझे ये स्केच देकर गई और उसने तभी मुझसे बोला था कि तुम्हारे पति मोहन की मौत होने वाली है। है कौन ये औरत? आपने देखा है उसे पहले कभी? सर उसका नाम अवंतिका है। कहाँ रहती है ये? ये तो मुझे नहीं पता। कोई बात, वो दिखती कैसे, कोई खास बात उसके बारे में? उसके लंबे और सफेद बाल है, नैन नक्श तो ठीक है पर दिखने में कुछ डरावनी सी दिखती है। लोग उसके सामने आने से डरते हैं, कहते हैं कि वो सामने आ जाए तो मौत पक्की। आप क्या कह रही हैं नीलम जी? देखिए ये सब बकवास है, ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिए। सर मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं इसीलिए आपके पास आ गई। प्लीज उसे पकड़ लीजिए और उसे पूछ लीजिए कि इन सबके पीछे उसका हाथ तो नहीं। अगर ये औरत जिम्मेदार है
तो फिर ये हमारे हाथों नहीं बचेगी। सचिन, बहुत बड़ी गड़बड़ है। Excuse me, ये आपकी शॉप है? हाँ जी, हमारी दुकान है, लेकिन अब दुकान बंद हो गई, आप कल आइएगा। देखिए, हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप डॉक्टर विक्रम को जानते हैं? जी हाँ, सुना उसके बारे में, इसलिए दुकान बंद करके उसके घर जा रहा हूँ। हमारा पुराना ग्राहक था वो। आप ये देखिए जरा, ये अंगूठी, ये उन्होंने आपकी दुकान से खरीदी थी? हाँ जी, ये अंगूठी उन्होंने कुछ दिन पहले सेलेक्ट कर रखी थी, लेकिन आज लेकर गए हैं। आपसे जब मिले थे कुछ परेशान थे क्या? हाँ भाव बताओ, मैं कुछ बात नजर आई हो आपको? नहीं सर, वो तो बहुत खुश लग रहे थे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ ये सब हो गया। अच्छा, वो यहाँ पे किसी औरत से मिले थे क्या? नहीं साहब, यहाँ तो कोई लड़की नहीं थी। अच्छा, थैंक यू। मतलब यहाँ दुकान के पास कुछ नहीं हुआ है, उसके बाद ही कुछ हुआ है। यहाँ आसपास पूछताछ करते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा है सर, वहां भी कुछ पता नहीं चला। इससे पूछते हैं। अरे सुनो भाई जी, इस आदमी को जानते हो? आज सुबह देखा था किसी औरत के साथ? हाँ मैंने इसे देखा है, ये उस औरत के साथ बात कर रहा था, काफी बहस हो रही थी उन दोनों के बीच। कौन औरत थी? वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो आई मतलब मौत आ गई, कोई भी उसके सामने नहीं आता, सब उससे भागते हैं। अवंतिका नाम है उसका। अवंतिका सर, यानी कि मौत की भविष्यवाणी करने वाली औरत का नाम अवंतिका है। पहले वो ऐसी नहीं थी, हम लोगों की तरह ही थी, यही फूल की दुकान लगाती थी, फिर एक दिन उसने मौत को देख लिया। सर, मौत को देख लिया मतलब? मतलब सर, एक दिन वो अचानक से गायब हो गई, फिर अचानक ही वापस भी आ गई। क्या? जब आई तो पूरी तरह से बदल चुकी थी, उसके बाल, उसका रंग ढंग, उसकी आंखें, सब कुछ बदल गया था। फिर वो लोगों की मौत की भविष्यवाणी करने लगी, और जिसके बारे में उसने जो भी कहा ना, सब सच हुआ। अरे बाप रे! साहब, लोगों से दूर से देखते ही भाग लेते हैं, कोई भी उसके पास नहीं आता, अब क्या पता किसे कह दे कि तू मर जाएगा। मौत की भविष्यवाणी करने वाली औरत, इससे मिलना पड़ेगा। कहाँ रहती है औरत? यहीं पास में ही रहती है। वेरी गुड, चलो दिखाओ जरा। क्यों मरवाना चाहते हैं सर, गरीब आदमी हूँ। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो हम लोग साथ में हैं। चलो दिखाओ। सर यहाँ रहती है, सर हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये घर नहीं मौत का गुफा है। वो हम देख लेंगे। सर मैं जा सकता हूँ? ठीक है, तुम जाओ। सर हो सकता है वो आदमी जो कुछ भी बोल रहा है वो सच हो, तो मुझे लगता है हमें भी यहाँ से लौट जाना चाहिए। सर ये फ्रेडी सर सही कह रहे हैं सर, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो सफेद औरत है ये सबके मौत के बारे में बताती है, और कहेंगे खुद। क्या बेकार की बातें कर रहे हो, देखते हैं इस औरत में ऐसा है क्या जिससे लोग डर रहे हैं। सर मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ क्या? सर ये घर का माहौल तो बहुत ही अजीब है। बहुत डरावना है सर। आइए। हम लोग CID से हैं, आपसे कुछ पूछना है हमें। मुझे मालूम था तुम लोग जरूर आओगे। लोगों की मौत के बारे में आपको कैसे पता चलता है? श्राप या वरदान, जो भी नाम दो, मुझे सब पता चल जाता है। बहुत गंभीर बात है यह,
लोगों की जान जा रही है, समझिए आप? मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। किसके इशारे पे खेल रही हो तुम ये खेल? मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। लो लो। मैंने आपको बोला था सर, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। मैंने आपको बोला था सर, यहाँ पे मत आना सर। सर सर मैंने आपको बोला था। फ्रेडी सर, उसने अंदर अभी सर का स्केच बना दिया। क्या बात कर रहा है? उसे पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आने वाले? मैंने आपको बोला था ना, कुछ चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए, जैसे अवंतिका। अभिजीत सर की तो जान खतरे में आ गई ना सर। ऐसे घटिया बातों से लोग डरते होंगे, मैं नहीं। मौत सबकी आएगी, कोई नहीं बचेगा। जब तुम्हारे सामने मौत आएगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सीआईडी से हम लोग मौत से हर रोज खेलते हैं, समझे? क्या चल रहा है ये खेल? वो आएगी, वो आ रही है। अरे वो आ रही है। ड्रामा बंद करो, समझे तुम? सर ये ड्रामा नहीं कर रही है, इसकी नाक से खून निकल रहा है। आएगी आएगी, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा जल्दी। क्या हुआ, क्या बात करनी थी? बॉस, सीआईडी को पता चल गया है कि विक्रम ने सुसाइड नहीं किया है। ये कैसे हुआ? क्योंकि उसके हाथ अवंतिका लग गई है। तुम लोगों की गलती की वजह से अवंतिका हमारे हाथ से निकल गई। मैंने पहले ही कहा था उसे खत्म कर दो, अभी औरत हमारे लिए और भी बड़ा खतरा बन गई है। लेकिन बॉस, वो कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं है। कुछ भी गलत किया ना उसने तो बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बॉस, उसका दिमाग पत्थर जैसा हो गया है, और जो हमारे किसी भी काम की नहीं रही वो सीआईडी के किस काम आएगी? बॉस, मुझे नहीं लगता कि सीआईडी अवंतिका से कुछ भी पता लगा पाएगी। वो सीआईडी है, पत्थर से भी अपने मतलब के लिए वो बात निकलवा लेते हैं। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, फौरन उसका कुछ करो। लेकिन बॉस, वो सीआईडी के पास है और उस तक पहुंचना नामुमकिन है। बरसों की मेहनत को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। आज की आज इस मुसीबत से छुटकारा पाओ, वरना तुम्हारी छुट्टी। ये अभी कोमा में है, कह पाना मुश्किल है ये कब होश में आएंगे। लेकिन ये अचानक हुआ कैसे? हमने अवंतिका का ब्रेन का स्कैन किया है, जिसमें हमें एक अननेचुरल से एक्टिविटी दिखी। ये देखिए, ये जो अजीब चीज है इनके ब्रेन में गड़ी हुई है। डॉक्टर, ये है क्या? ये जो भी है, ये पहले से इनके ब्रेन में नहीं है, किसी ने लगाई है। जब तक हम सर्जरी करके ये निकाल नहीं देते, तब तक कह पाना मुश्किल है। अगर ये कोई मेटल की चीज हुई तो हम इनका एमआरआई भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी चीज किसी ने इनके सिर पे क्यों डाली होगी? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना कहूंगी, ये जो ऑब्जेक्ट है ब्रेन के क्रुशियल हिस्से के बहुत ही करीब है। मैं हैरान हूं कि अब तक जिंदा कैसी है। पेशेंट की जान खतरे में। सारी चीजें इस तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई चुंबक से खींच रहा है। पकड़, वैद्य, बड़ी तेजी से जा रही है। सर, लगता है उसी में कुछ प्रॉब्लम है, आइए। ये तो मर गई। सर, अभी अभी एक वैन बहुत तेजी से यहां से गई है। सर, वैन की? लगता है इनका ब्रेन हैमरेज हो गया है। जरूर उस वैन में बहुत बड़ी मात्रा में चुंबक रखा होगा, जिसकी वजह से इनके ब्रेन में रखी हुई चीज जगह से हिल गई।
सुनो, सुनील को खोल दो। सुनील उठो, मेरी तरफ घूमो, चलो रुको, मुड़ो, अपना बाया हाथ ऊपर करो, अपना दाया पैर ऊपर करो, गुड, अब नीचे कर दो। सुनील को तैयार कर दो। हेलो, सब तैयार हो गए। विक्रम, मोहन और बाकियों का काम हो गया है। सबने वही किया जैसा उनको कहा गया था। और हाँ, ये चीप दिमाग को बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर रही है। और हाँ, अवंतिका की टेंशन भी खत्म हो गया। हाँ, हमने सारे टेस्ट कर लिए, अब कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया तो हम 100 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। यस, अवंतिका के पोस्टमार्टम में से मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिसे देख करके मैं बहुत हैरान हूं। क्या चीज है? ये देखो, ये टूटी हुई चिप, ये मुझे अवंतिका के ब्रेन में से मिली है, दिमाग में से। ये चिप दिमाग में? हाँ, और ये कोई ऐसी वैसी चिप नहीं है, हाईटेक चिप है, आधुनिक। काफी दूर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेज करके उस दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है जिसमें चिप लगी हो। यूं समझ लो कि ये चिप जिस आदमी के दिमाग में लगी होगी वो हर वो काम करेगा जो इस चिप को कंट्रोल करने वाला चाहेगा। सर, ये विक्रम और मोहन ने अपने आप को मार लिया बिना किसी वजह, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी तरह से कोई उनके दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा था? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने उन दोनों के दिमाग को अच्छी तरह से चेक किया, उन दोनों के दिमाग में इससे भी ज्यादा हाईटेक चिप लगी। सर, ये डॉक्टर विक्रम और ये डॉक्टर मोहन, ये दोनों दिमाग के बड़े डॉक्टर थे, कहीं इनका कोई कनेक्शन नहीं है इसमें? बिल्कुल सचिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई तो है जो इन लोगों को अपने इशारों पे नचाना चाहता है। और इतने ही नहीं सर, इस डॉक्टर विक्रम और डॉक्टर मोहन, इन दोनों के बारे में हमने पता किया। ये लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए किसी शहर में जाने वाले, लेकिन उस शहर में ना जाकर किसी और शहर में गए, और वो भी छुपते छुपाते। जरूर इनका संबंध इन चिप से है। सर, अवंतिका के घर से इतने सारे स्केच मिले। लेकिन तो ये है वो स्केच जिन्हें अवंतिका उन लोगों के मरने से पहले ही बना देती थी। जी सर। और सर, इस वाले स्केच में खास बात है सर, जिस टेरिस से विक्रम गिरा था उस टेरिस पे बिल्कुल ऐसा ही लोगो बना हुआ था। निखिल, इन स्केचेस को स्कैन करो, पता करो ये लोगो किस चीज का है। ये लोगो केटीसी इंडस्ट्रीज का है। बॉस ने कहा है इन सबको यहां से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। और हां, किसी भी तरह का कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना हुआ, समझ रहे हो? ए, घास लेट लेकर आ, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? ए, कौन हो तुम लोग? चल, नहीं नहीं, ये गलती मत करना। ए, चल दर, सचिन, खोल दर, चलिए।
देखो ना, चलिए बस तुझे चलिए, तुम उठने की हालत में नहीं है। लेकिन एम्बुलेंस को फोन करो, इन सबको हॉस्पिटल ले जाना होगा। किसके कहने पे किया ऐसा? कौन है तुम्हारा बॉस? सर हमें कुछ नहीं पता, हमसे जो कहा गया वो हमने किया, और सर हमें तो ये भी नहीं पता कि ये ऑपरेशन क्यों हो रहा है। ये बकवास बंद कर समझा, बता तुम लोगों का रिंग मास्टर कौन है? बोल। सुनील नाम के किसी आदमी को वो अपने आने वाले प्लान के लिए चुन रहे हैं, और सर वो किसी क्रिस्टल के बारे में बातचीत कर रहे थे जो बहुत ज्यादा कीमती चीज है सर। क्रिस्टल? जी सर, अभी अभी कुछ दिन पहले लोकल पुलिस ने बहुत बड़ी रेड मारी जिसमें करोड़ों के उन्होंने ड्रग्स पकड़े थे, इसमें ये क्रिस्टल मिल भी था। चल, जा, खड़े रह। तब तो ये ड्रग्स पुलिस के गोडाउन में ही होगी, और इन लोगों का प्लान होगा उस ड्रग्स को पुलिस के गोडाउन से चुराना। अब तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। शायद हम किसी और रास्ते से जा रहे हैं। आप दूसरे रास्ते क्यों जा रहे हैं? जवाब क्यों नहीं दे रहा? इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? क्या दिक्कत है इसे? कुछ गड़बड़ है, लगता है हमें मदद बुलानी पड़ेगी। बात कर। हेलो, हेलो कंट्रोल रूम। सारा माल अपनी गाड़ी में डालो जल्दी, 20 मिनट पर अड्डे पर पहुंचना है, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी 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 चलो। Oh my God. ये क्या हो गया? कार को तो पूरी तरह से छलनी कर दिया, यानी कोई जिंदा है भी या नहीं। उठा उठा उठा, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। संभाल के बैठ बैठ बैठो इधर। मर चुका है। ओह ड्राइवर भी मर चुका है सर। एम्बुलेंस आ रही है। क्या सर, कैसे हुआ ये सब है? ये सुरील ड्राइवर भी मिला हुआ था उनसे। कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे उन्हें, उसे फंसा कर जबरदस्ती ये काम करवाया गया। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अच्छा कुछ बता सकते हो वो लोग कहाँ गए होंगे? कुछ सुना तुमने? उनमें से एक कहते सुना कि 20 मिनट में अड्डे पर पहुंचना है। चेक करना पड़ेगा कि 20 मिनट में ऐसी कौन सी जगह है जहां पे ड्रग्स रखी जा सकती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है। सुनील ने वही किया जो उसे बताया गया था, और हमने भी उसके साथ वही किया जो आपने बताया। सर ये रीमा,
विक्रम की कलीग और हमारी फैमिली फ्रेंड। हेलो, ड्रग्स आ चुके हैं, आज रात ही हम इसे बेच देंगे। कम से कम 100 करोड़ की तो होगी। हाँ, मैं वही हूँ, अपने नए ठिकाने पर। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं ये काम कर दूंगी। तुम पे भरोसा करके मैंने बिल्कुल ठीक किया, वरना मेरा वो बेवकूफ पति, इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वैसा कुछ कर पाता। ये तो बस शुरुआत है। ब्रेन को कंट्रोल करने की इस टेक्नोलॉजी से हम 1000 करोड़ तक कमा लेंगे। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। यू नो, इस टेक्नोलॉजी के लिए लोग हमें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। एक ग्रुप ने तो मेरे साथ बात भी की, वो इस टेक्नोलॉजी के जरिए सीआईडी को हिसाब कर देना चाहते हैं। ठीक है ना, हमें क्या प्रॉब्लम, लड़ने तो सीआईडी को उनके साथ। हम एक काम करते हैं, सूरज डूबते हम सारे पैसे लेके भाग जाएंगे। ओके, इतनी जल्दी क्या है जाने की? कंपनी के लिए काम करती थी, उन्होंने ये ब्रेन को डैमेज करने का, उसे कंट्रोल करने का गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाया था। किसी कारण दिवालिया हो जाने के कारण कंपनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तुमने मौके का फायदा उठाया और इस रिसर्च को आगे बढ़ाया। इसके लिए मुझे एक्सपर्टीज की जरूरत थी और विक्रम बहुत ही असूलों के पक्के थे, इसलिए वो मेरे किसी काम के नहीं थे। तब तुम्हें ये रीमा मिली, विक्रम की असिस्टेंट। हाँ, मुझे विक्रम की तरह छोटे मोटे रुपयों में जिंदगी नहीं काटनी थी। लेकिन तुम लोगों ने विक्रम और मोहन के सिर में चिप क्यों लगाई? कंपनी बंद हो जाने के कारण हमारा रिसर्च बीच में अटक गया था, इसलिए हमें उन दोनों की मदद की जरूरत थी। विक्रम और मोहन इस फील्ड के एक्सपर्ट, और हमें उनकी जानकारी का फायदा उठाना था।
इसलिए हमने उन्हें काम पर रख लिया और उन्हें अंत तक असलियत का पता भी नहीं चला कि वो किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। हमारे रिसर्च के लिए बहुत अच्छे नमूने भी साबित हुए, पर खतरा होने के डर से हमने उन्हें भी मार दिया हमने। और अवंतिका, उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? अवंतिका पर ही तो हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। उसके दिमाग में जो हमने चिप फिट की थी, वो किसी कारण काम नहीं कर पा रही थी, सब कुछ गड़बड़ हो रही थी। और उसने उन लोगों को भी देख लिया था जिन्हें हम प्रयोग के लिए लाए थे। उसे हमारे प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन जब वो हमारे लैब से भाग गई ना, तो उसके चिप में प्रॉब्लम की वजह से दिमागी झटकों में उसको सब कुछ दिखता था। उसने अभिजीत का भी स्केच बनाया था, तो क्या अभिजीत भी तुम लोगों के निशाने पर था? अभिजीत की मौत के लिए तो आज भी लोग करोड़ों लेकर तैयार बैठे हैं। अगर हमें 2-4 दिन और टाइम मिलता ना, तो शायद अवंतिका की भविष्यवाणी भी सच हो जाती। रुपयों की लालच में न जाने कितनी जिंदगियां तबाह कर दी तुम लोगों ने, कितने मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। कानून इसकी कड़ी से कड़ी सजा देगा। फांसी होगी तुम लोगों को, फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।